शायद क्योंकि मेरी भी जड़ें कथक एम लखनऊ से हैं, तो एक हमारा रिश्ता हमेशा रहेगा लखनऊ का, कथक का, कथक एम का। और अब ये नया रिश्ता जुड़ गया है और सौभाग्य से मेरी तस्वीर यहाँ पे है, तो ये मेरी तस्वीर है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो गुरु यहाँ पे हैं सब, हम तो बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं, लेकिन ये प्यार है, प्रेम है। तो इसको देखने के बाद मैं मतलब मैंने अपने से डबल कमिटमेंट ले लिया कथक एम इस पिक्चर के साथ, कि अगर ऐसा मुझे करना है हकीकत में कि मेरी पिक्चर यहाँ तस्वीर रहे, तो मुझे तो बहुत काम करना है। तो मैं खुद भी अपना कमिटमेंट करके जा रही हूँ। तो बच्चों का टाइम हो रहा है, तो और कोई कोई अलग से बात कहना चाहता है? कोई इम्प्रूवमेंट जो हम सब कर सकें अपने लाइफ में, किसी के पास कोई संदेश है? प्रदीप कपूर जी हमारे बीच में है और ये बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत लखनऊ के बहुत उन लोगों में से हैं जो कि अवेयर रहते हैं, एक अवेयर नागरिक है। अभी आप बता रहे थे कि किसी ना किसी चैनल में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या जैसे बातचीत करनी होती है, और सौभाग्य से फेसबुक पे हम लोग साथ में हैं, और ये आगरा से हैं ओरिजिनली। है कि मैं भी आगरा का हूँ और मेरे को बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने बिरजू महाराज जी के साथ बहुत बातें की और उनको नए नए अंदाज में उनको देखा। कि हम पत्रकार शाम को जब जाते थे होम सेक्रेटरी के पास, जो कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर एसोसिएशन के बारे में बताते हैं, तो मैंने देखा 1982 की बात होती 1982 की, तो उस ज़माने में होम सेक्रेटरी भी कथक के बारे में बहुत जानते थे। तो बिरजू महाराज जी उनसे कथक के बारे में सुनते रहे, फिर बोले कि भाई ये पहली बार देख रहा हूँ कोई अधिकारी भी जो है वो इतना दिलचस्पी ले सकता है और नृत्य के बारे में इतना जानकार हो। और कई विधाओं में उनको देखा। एक बार लखनऊ शहर में सनत कला का फेस्टिवल हो रहा था, कस्बा बारादरी में पानी गिर गया, तो उसके अंदर जो हॉल है उसमें दुकानों को ढक दिया गया और वहाँ छोटी सी जगह पे महाराज को जो हमने परफॉर्म करते देखा, जैसे कि हम अपने ड्राइंग रूम में देख रहे हैं, वो इतना क्लोज उनको परफॉर्म करते देखा, वो बहुत ही बढ़िया एक सुखद अनुभव था जो हमेशा याद रहता। तो उनसे कई बार मुलाकातें हुई, बातें हुई और हमेशा उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता। थैंक यू आप सौभाग्य से आए आज और मेरे एक रिक्वेस्ट करने पे आप आए हैं मिलने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, एक रिश्ता जुड़ गया है, आगरा से हूँ तो हमेशा वो रिश्ता रहेगा। बच्चों को आशीर्वाद दें। महाराज जी ने एक ऐसे बातचीत में बताया कि उन्होंने ऐसी ऐसी जगह भी नाचा है जहाँ पे कि थे ही मारा तो किसी के लग गया को, हाँ हाथ का मूवमेंट जरा फैलाया तो महाराज जी को कहा गया कि थोड़ा समेट के नाचो, तो कहते छोटा छोटा हाथ करके नाचना पड़ा, इतनी क्लोज ऑडियंस। और ऐसी जगह भी नाचा हुआ जहाँ पे कि
हजारों में बहुत बड़ा स्टेज है और लोग ठहर के बिल्कुल नाचना और सोलो कर रहे हैं, तो उनके अनुभव तो अद्भुत रहते हैं। डांसर कैसे अपने आप को शेप अप लेता है अपने डांस की, क्या क्या पीस करें जो उस ऑडियंस को इम्प्रेस करें, छोटी ऑडियंस के लिए कैसे हो, क्या क्या चीज़ हो। हमारा जो कोर्स था दिल्ली में कथक में, मैं स्कॉलरशिप कैंडिडेट थी, स्पेशलाइजेशन नाम था उस कोर्स का, उसमें हमारा एग्ज़ाम मंच पे होता था और ये हमें बताया जाता था कि इतनी ऑडियंस है तो आप क्या क्या नाचोगे, कैसे नाचोगे।